दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये WhatsApp पर डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर क्या होता है। आपने अपने WhatsApp की जब आप सेटिंग्स में जाते होंगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन ये दिखाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चले जाते हैं WhatsApp पर। WhatsApp पर जाने के बाद जब आप ऊपर थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं, तो आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन दिख जाता है डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर का। या फिर इंडिविजुअली आप किसी के चैट में अगर जाते हैं, ठीक है, क्लिक करते हैं और यहाँ पर उसके ऊपर नाम पर क्लिक करते हैं तो नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपको डिसअपियरिंग मैसेजेस का ऑप्शन दिखा देता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से दिखाता है मैसेज टाइमर। तो ये क्या है, इसके थ्रू जब आप इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है, तो हम सेटिंग्स में पहले चले जाते हैं। जब आप इसको इनेबल कर देंगे तो होगा क्या, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने 7 डेज लगाया, ठीक है, तो आप जब भी कोई न्यू चैट स्टार्ट करेंगे तो वो डिसअपियरिंग मैसेजेस के साथ स्टार्ट होगी और जो भी मैसेज आप भेजेंगे वो 7 डेज के बाद जो है वो अपने आप ही चले जाएंगे, मतलब अपने आप ही डिलीट हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने 24 आवर्स लगाया है तो जो भी मैसेज आप भेजेंगे वो 24 आवर्स के बाद जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। वही यहाँ पे लिखा है स्टार्ट न्यू चैट्स विद डिसअपियरिंग मैसेजेस। तो यही होता है WhatsApp पर डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर, एक फीचर होता है जिसके थ्रू आप डिसअपियरिंग मैसेजेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इससे जो मतलब अगर आपने इंडिविजुअली किसी के में जाके ऑन किया है तो उससे जब आप न्यू चैट करेंगे तो केवल उसकी चैट जो है जो भी टाइम सेट करेंगे उसके बाद डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अगर आप यहाँ सेटिंग से जा करके लगाते हैं तो आप कोई भी चैट स्टार्ट करेंगे न्यू, तो क्या कहते हैं, जैसे कि किसी भी बंदे से न्यू चैट स्टार्ट करेंगे तो आपके में डिसअपियरिंग मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाएगा और ऑन ही रहेगा, और आपके में जो भी यहाँ पे टाइम सेट करेंगे उतने डेज के बाद या उतने आवर्स के बाद मैसेजेस डिसअपियर हो जाएंगे। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए।